नए बजट से महिलाओं को क्या मिलेगा लाभ, कौन बनेगी लखपति दीदी, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के अंतरिम बजट का ऐलान कर दिया है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में साफ कर दिया था कि अंतरिम बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस किया जाएगा। अब जिन योजनाओं का ऐलान किया गया है उनमें वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 9 करोड़ में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने लखपति दीदी स्कीम की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं को आगे लाना है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया भी कि लखपति दीदी स्कीम से 9 करोड़ महिलाओं की लाइफ बदली है, वे आत्मनिर्भर बनी है। फाइनेंशियल नॉलेज से महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप चलाए जाते हैं, जिनसे बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों की जानकारी दी जाती है। इस योजना में महिलाओं को सेविंग्स के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके लिए उन्हें इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। लखपति दीदी स्कीम में महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे उन्हें स्मॉल लोन मिलते हैं। इस स्कीम में स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस दिया जाता है। एंटरप्रेन्योर बनने वाली महिलाओं को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गाइड किया जाता है और भी कई लाभ लखपति दीदी स्कीम के तहत महिलाओं को दिए जाते हैं। इसके अलावा 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा, पोषण 2.0 को लागू किया जाएगा और टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। सभी आंगनवाड़ी कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। अब इस नए बजट से महिलाओं को वाकई में कोई लाभ मिलता है या नहीं, यह तो व्यक्ति बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहे सिटी वेब न्यूज पर।